लौटकर मोइजू भारत को आए। चालबाज चीन से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का मोह भंग हो गया है और अब वो अपनी भूल को सुधारने के लिए भारत के दौरे पर आए। यही नहीं, वो सफाई दे रहे हैं कि उनकी नीति इंडिया आउट की नहीं है। 5 दिन के दौरे में भारत आए राष्ट्रपति मोइजू को पीएम मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। दरअसल चीन से धोखा खाने के बाद राष्ट्रपति मोइजू के पास अब कोई चारा बचा नहीं है। इस रिपोर्ट में आप राष्ट्रपति मोइजू के तेवर ठंडे पड़ने की सभी वजह देखेंगे। भारत के खिलाफ इतना जहर उगलने के बावजूद जब मोइजू के पैर दिल्ली की धरती पर पड़े तो रेड कारपेट वेलकम मिला। मोइजू भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर सेना और विदेश मंत्रालय के अफसरों ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति मोइजू के साथ उनकी पत्नी और मालदीव की प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद भी भारत दौरे पर आई हैं। बच्चियों के पारंपरिक कश्मीरी नृत्य से दोनों का भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत के तुरंत बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू और विदेश मंत्री जयशंकर के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों ने डेलीगेशन लेवल की बातचीत की। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की भारत यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले साल उनके मालदीव की सत्ता पर बैठने के बाद नई दिल्ली से रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। ये यात्रा असल में बताती है कि मोइजू को एहसास हो गया है कि भारत को नाराज करके मालदीव का काम नहीं चल सकता है। देखिए, एक रीजन जो दिखता है कि मोइजू को चाइना से दूरी बनाने की सद्बुद्धि आई है क्योंकि चाइना उसे फाइनेंशियली मदद नहीं कर रहा जितना मोइजू चाहता है। और चाइना उतना मदद क्यों नहीं कर रहा? चाइना इसका मतलब मालदीव से कुछ ऐसी चीजें चाहता है जो कि मोइजू देने की स्थिति में नहीं है। मोहम्मद मोइजू 5 दिन तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में नए समझौते हो सकते हैं। मोइजू मुंबई भी जाएंगे जहां वो देश के बड़े उद्योगपतियों से मिल सकते हैं। दरअसल मोइजू का दौरा भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइजू को भारत जो आना पड़ा या जो आ रहे हैं उसका केवल और केवल एक ही मुद्दा है मालदीव्स के हिसाब से, उनको इस समय फाइनेंशियल मदद चाहिए। भारत मालदीव का लंबे समय से दोस्त रहा है लेकिन पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद मोइजू ने इस दोस्ती को दुश्मनी में बदलने की कोशिश की। चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाई और चुनावी अभियान में भारत विरोधी नारे दिए। सत्ता में आने के बाद 3 ऐसी गलतियां की जिससे संबंध और खराब हो गए। पहला, राष्ट्रपति बनते ही परंपरा को तोड़कर भारत की जगह तुर्की और चीन की यात्रा की। दूसरा, मोइजू प्रशासन का 76 भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की मुहिम छेड़ना। इसके बाद पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद मोइजू के 3 मंत्रियों ने उनके खिलाफ घटिया बयानबाजी की। लेकिन कुछ ही महीनों में मोइजू ये समझ गए कि भारत से दुश्मनी उनके देश की आर्थिक स्थिति के लिहाज से अच्छी नहीं। मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या घट गई। मालदीव की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिखा। मालदीव पर चीन का कर्ज भी बढ़ गया। हालांकि राष्ट्रपति मोइजू ने साल भर में ही समझ लिया कि भारत की दोस्ती कितनी जरूरी है। पीएम मोदी की शपथ ग्रहण में आकर मोइजू ने रिश्ते सुधारने का संकेत पहले ही दे दिया। लेकिन अब 5 देशों का यह दौरा रिश्तों को वापस पटरी में लाने की बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.